हेलो यूट्यूब, आज मैं बना रही हूँ विप स्पाइडर वेब स्टिच। तो इस ये मैंने इसका पहले बना लिया, ये पैटर्न साटन स्टिच से बनाया है, ये स्टेम स्टिच है। और लेकिन आप इसे जब कंप्लीट कर लें फ्लावर, तो उसके बाद ये वाली चीज़ बनाइएगा। मैंने टाइम को सेव करने के लिए ये बनाया। इसमें पहले आपने सिंपल लेजी डेजी स्टिच बनाना है। आप फ्लावर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो इसको ज़्यादा लंबा ले लें। ये मुझे आप में से किसी ने पिक्चर भेजी थी इस फ्लावर की, ये वाला स्टिच जो है, इसलिए मैं बना रही हूँ। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, उन्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से, और ये ऐसे थोड़ा सा आप यहाँ से, जैसे स्मॉल साइज है तो यूँ इस तरह से आपने गुलाई में लेके आना। ये जस्ट आप इतना सा इसको कर लें ड्रॉ थोड़ा सा। इतने इतने डिस्टेंस पे आप लेते हैं। ये देखें ऐसे, ये मैंने डबल शेड का धागा लिया है इसमें। यहाँ से आपने बिल्कुल साथ साथ करना है, ऊपर से आपने थोड़ा सा उसे ऐसे ऊपर से डिस्टेंस करते जाएं इसका, जैसे ये मैं कर रही हूँ। और यहाँ नीचे से आपने बिल्कुल साथ साथ उसके बनाना है, स्टिच बहुत क्लोज लेना है नीचे से। ये उसकी बेस बना रही हूँ मैं। एम्ब्रॉयडरी करते हुए थोड़ा सा शेकी हो जाता है फ्रेम, इस वजह से कि मुझे थोड़ा हर एंगल से आप लोगों को दिखाना होता है, इसलिए मैं उसे स्टिल नहीं कर सकती किसी एक जगह पे। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को हर तरह से समझ में आए। ये मैंने डबल शेडेड धागा लिया है। अगर आपके पास सिंपल है एक ही शेड का है तो आप एक ही शेड के साथ है, जो अगर आप कोई सेपरेट और कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हैं तो आप कॉम्बिनेशन में ले लें धागा। मतलब बेस किसी और चीज़ से बना लें, जैसे ये मैं बेस बना रही हूँ किसी और कलर से, और बाकी किसी और कलर से कर लेंगे। Thank you.
ये बहुत इजी है और बहुत खूबसूरत बनता है। बस ज़्यादा टाइट नहीं इसे करना है कि कपड़ा इसके अंदर खींच जाए। ये अब इसकी ऑलमोस्ट बेस इसकी बन गई। अब जितना इसे बड़ा करना चाह रहे हैं उतना ही कर लें आप। अगर आप सर्कल में बनाना चाह रहे हैं तो सर्कल में बना लें। देखिए इसकी बेस होगी। इसमें थोड़ा सा धागा आप लंबा लें ताकि आपको बार बार उसको लगाना नहीं पड़े। अगर एक दफ़ा आप बेस बना रहे हैं सेम ही से उसी सेम शेड से तो आप बेस बना लें और उसके बाद फिर धागा और लंबा ले लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब आप अगर चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं ताकि ये वाली चीज़ दूसरे धागे में फंसे नहीं। अब इसके ऊपर से गुजारें और ये दो आपने दो दो का इकट्ठा रखना है इसे और इसे। फिर एक ये वाला पिछला एक ये वाला जो है इसे लेना है और एक नेक्स्ट वाले को लेना है उसके नीचे से गुजारना है। इस तरह आराम से आप रख लें। फिर अगले कर अगला एक एक साथ मिलाते जाएं। और आप इस तरह से आपको साथ साथ इसे अंदर वाली साइड को करना पड़ेगा धागे को यूं। पहले दो तीन जो होंगे वो थोड़ा सा मुश्किल होंगे फिर बाद में वो रूटीन में शुरू हो जाएगा।
अब इसके ऊपर से आपने इस कपड़े के साथ नहीं करना, कपड़े के अंदर से सुई नहीं गुजारनी ऐसे। और इसको आप साथ साथ ही इस तरह से करते हैं ऐसे। अब दोबारा इस साइड से हो जाए। इसी तरह आप इसे बनाते जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने मतलब कितने बड़े साइज़ का ये बनाना है, क्योंकि इसे बहुत टाइम लग जाता है बनाते बनाते। आप बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हैं, बड़े से बड़ा फ्लावर भी इससे बना सकते हैं। और ये और कोशिश करें कि साथ साथ ही ऐसे इसको ठीक करते जाएं आप। मैं इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर सकूंगी मैं आप लोगों को इसको, क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन आप लोग इसी तरह से इसे आप सुई के साथ भी कर सकते हैं, और यूं इस तरह से अपना
नेल इस तरह से जैसे ही धागा आपने पुल करना है तो ऐसे रख लें आप यूं। देखें इस तरह उठाने हैं आपने, दो ही हैं, दो के नीचे से गुजारनी है आपने और फिर एक एक के ऊपर से आपने धागा लेके आना है। ठीक है इस तरह इस सर्कल में भी आप बना सकते हैं, अगर आप चाहें कि सर्कल जस्ट आपने अपनी शर्ट के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर सिर्फ सर्कल बनाने हैं तो आप इसी तरह से ये सर्कल बना लें इसका। इस वाले को आपने ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं खींचना है, नहीं तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इसकी शेप को आपने ठीक रखना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ऊपर वाला फाइनल करके दिखा देती हूँ कैसे करना है, क्योंकि ये काफ़ी अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लगेगा इस वीडियो को बनाने में। अब आपने इसी तरह से इसे कंप्लीट करते जाना है इसी पैटर्न के साथ। अब ऊपर से आपने क्या करना है, इस तरह आपका यहाँ तक, आप सिर्फ यहाँ तक लेके आइएगा अगर आपको ये वाला स्टाइल बनाना है। अगर आपको एज इज ही छोड़ना है तो फिर आप इसे बेशक ऊपर तक ज़्यादा ले जाएं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से, अब आपने क्या करना है इधर सेंटर में कर लें, नीडल लें सेंटर में इधर और इन दोनों में, फिर ये जो गैप है यहाँ पे ले आए सेंटर में और फिर इधर ले आए आप यहाँ बिल्कुल सेंटर में करके इस धागे के नीचे से ऐसे गुजारें ताकि ये भी अंदर आ जाए ऐसे, और इसको इसके ऊपर से करना करके यूं बिल्कुल सुई दोबारा आपने उसी वहीं से गुजारनी है जहाँ से आपने धागा पहले निकाला है, ताकि वो बड़ा स्टिच नहीं बन जाएगा, बिल्कुल छोटा सा बारीक सा स्टिच होना चाहिए।
ये देखें इसी तरह आपने इसलिए अगर आपने पहले इसे ज़्यादा पूरा ऊपर तक फिल कर लिया फिर ये वाली चीज़ इसकी ये अच्छी नहीं लगेगी बनी हुई ऊपर, क्योंकि इसके लिए भी आपको जगह चाहिए होती है। लेकिन अभी इसे ये कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरह से, इसको यहाँ तक आपने लेके आना है ताकि ऊपर डायमंड सा बन जाए। जब आपको लगे कि ये डायमंड बन गया है तो बस फिर वहीं पर ख़त्म कर दें। अब आप लोग अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इस जगह पे आप अगर आप चाहें तो इस जगह पे आप बीड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस जगह पे बीड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं जस्ट फ्रेंच नॉट बना रही हूँ यहाँ पे। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के पास हर चीज़ अवेलेबल हो, तो मैं ये दूसरी ऑप्शन भी आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास नहीं है बीड्स नहीं हैं तो आप फ्रेंच नॉट बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास बीड्स हैं सेम कलर के मोती हैं तो वो आप इधर मोती लगा लें, वो भी बहुत खूबसूरत फैंसी से लगते हैं। ये देखिए इसी तरह से आप इसको सारे को इसके टॉप के ऊपर ऊपर ये फ्रेंच नॉट्स या कोई बीड्स लगा लें। अब ये वाला आपने जस्ट सिंपल लेजी डेजी के साथ इसको अंदर से फिल करके इसको लीव इसकी लीव से बना देने। ये देखें ये मैं आपको करके दिखा दूंगा, ये मैंने ये वाला पैडेड साटन स्टिच है, इस तरह से आप बना लें इसे ऐसे। अगर आप चाहें कि इस तरह से नहीं बनाना तो आप इसको बुलियन नॉट के साथ भी बना सकते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास, स्ट्रेट स्टिच भी बना सकते हैं। ऐसे इस तरह से आप सारा बना लें, तो इस तरह सारे इसे फिल कर लें। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।